नमस्ते दोस्तों, नेक्स्ट के चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको अडोब फोटोशॉप एक्सप्रेस ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। यह एक फोटो एडिटर और कॉलाज मेकर एप्लीकेशन है। इस ऐप को प्ले स्टोर पे 5 में से 4.6 रेटिंग मिली है और 100 मिलियन से ज्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे इस ऐप को इजी टू यूज ले सकते हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। आप ऐप को ओपन कर लीजिए। आप इसमें आसानी से फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कीजिए। आप इसमें कुछ भी यूनिक लुक दे सकते हैं इस टाइप के फोटोज को। इसमें आप ब्लेंड इफेक्ट दे सकते हैं फोटो को, जैसे ये पार्टिकल्स वाले इफेक्ट आ रहे हैं वो आप दे सकते हैं। इसमें आप डेज इफेक्ट दे सकते हैं, ऐसे फॉग वाले इफेक्ट आप इसमें दे सकते हैं फोटो के अंदर। रिड्यूस ल्यूमिनेंस नॉइस आप इसमें दे सकते हैं इस टाइप से, जैसे अगर आपकी फोटो ये है तो आप इसमें से नॉइस हटा के पिक्चर को क्लियर कर सकते हैं। इसमें आप टेक्स्ट स्टाइल दे सकते हैं फोटो के ऊपर, जैसे हैप्पी थॉट्स लिख रहा है इसमें, ये जो पार्टिकल्स लगा रखे हैं ग्राफिक्स आप ये लगा सकते हैं। इसमें आप प्रोस्पेक्टिव करेक्शन कर सकते हैं, कोई फोटो अगर टिल्ट है तो आप उसको ऐसे सीधे कर सकते हैं। इसमें आप ब्लर दे सकते हैं आपको, जैसे आपकी फोटो हाईलाइट करनी है सेंटर में और बाकी ब्लर बैकग्राउंड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इसमें स्प्लिट टोन दे सकते हैं, आप फोटो को टू इफेक्ट देना चाहते हैं, आपकी फोटो ऐसी थी और एक साइड आप ये इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप इस तरह का इफेक्ट दे सकते हैं। आप इसमें कॉलाज बना सकते हैं, 3-4 फोटो मिक्स करके आप इस टाइप के कॉलाज बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे हम इन फीचर्स को यूज ले सकते हैं। आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आप इसे गूगल या फेसबुक से लॉगिन कर लीजिए। मैं इसे गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ। फिर आपको स्टोरेज की परमिशन देनी होगी, जैसे ओके पे आप क्लिक कीजिए और अलाउ कर दीजिए तो आपका स्टोरेज यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आप कौन सी फोटो एडिट करना चाहते हैं वो आप कोई भी एक फोटो सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं आपको एक फोटो एडिट करके बताता हूँ कैसे आप फोटो को एडिट कर सकते हैं। मैंने कोई भी एक फोटो सेलेक्ट की। फिर इसके बाद आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे इफेक्ट्स दिखते हैं, जैसे यहाँ पे नॉर्मल, फ्री, चार्म, वाइट बैलेंस, आप इस तरह भी इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, या नॉर्मल, वाइब्रेंट, एथ्यूम, स्प्रिंग यानी आपको समर इफेक्ट चाहिए, आपको फिर समर इफेक्ट चाहिए अगर आपको विंटर इफेक्ट देना है फोटो को। तो जैसे अगर आपको वाइब्रेंट इफेक्ट देना है तो आप वाइब्रेंट पे क्लिक कीजिए तो ऑटो वाइब्रेंट इफेक्ट आ जाएगा इसमें फोटो पे। अगर आपको एथ्यूमन इफेक्ट देना है तो आप एथ्यूमन पे क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिक इफेक्ट आ जाएगा। अगर आपको स्प्रिंग इफेक्ट देना है तो स्प्रिंग, अगर आपको समर में यानी गर्मियों में पोस्ट करनी है तो आप समर पे क्लिक करेंगे तो फोटो के ऊपर समर इफेक्ट आ जाएगा। अगर आपको विंटर में पोस्ट करनी है तो आप विंटर पे क्लिक कीजिए। अगर आप फोटो को इन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वर्ट पे क्लिक कीजिए। आप पेस्टल कलर देना चाहते हैं फोटो को तो आप पेस्टल पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ से लाइट टोन कर सकते हैं, अगर आप डार्क टोन करना चाहते हैं तो आप डार्क टोन भी कर सकते हैं। हेज इफेक्ट देना चाहते हैं आप, अगर आप व्हाइट बैलेंस ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप व्हाइट बैलेंस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे फ्लैश ऑप्शन आ गया आपके पास, शेड ऑप्शन आ गया, तो इस तरह आप यहाँ से इफेक्ट दे सकते हैं। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट देख सकते हैं, ये आ गया एक ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट। अगर आप नॉइस ही देना चाहते हैं तो आप इस तरह का आ गया इसमें। अगर आप नॉइस रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। आप पोर्ट्रेट इफेक्ट देना चाहते हैं, अगर आप नेचर इफेक्ट देना चाहते हैं तो आपने जैसे नेचर पे क्लिक किया तो आपके पास ये नेचर इफेक्ट आ गया, आप यहां से इसे अंडू कर सकते हैं यानी बैक ले सकते हैं। तो इस तरह आप इसमें यहां से बहुत सारे इफेक्ट दे सकते हैं। अगर आप वापिस आना चाहते हैं नॉर्मल पे तो आप नॉर्मल पे भी आ सकते हैं। मैं इसे अभी दे देता हूं। मैंने इस फोटो को वाइब्रेंट इफेक्ट दिया, यह वाइब्रेंट इफेक्ट में अच्छी लग रही है फोटो। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ, बीटा इफेक्ट पे। यहाँ से आप फोटो में कोई भी शेड दे सकते हैं, कोई भी स्पार्कल लाइट्स दे सकते हैं, जैसे आप नीचे देखेंगे यहाँ पे बॉके लाइट है, ग्रंज इफेक्ट है, रेनडोर इफेक्ट है, पेपर इफेक्ट है, तो यहाँ पे इस तरह की लाइट आएगी। तो इसमें ये लाइट अच्छी नहीं लग रही है, मैं इसमें ये वाली लाइट दे सकता हूँ, इस तरह सनलाइट जैसे ये आ रही है, यहाँ पे ये लाइट आ गई। अगर मेरे को ये लाइट देनी है तो मैं इसकी यहाँ से ऑपेसिटी यानी इसको लाइट भी कर सकता हूँ, तो ये इस तरह अच्छी लग रही है, ये इफेक्ट मैंने एक इसमें दे दिया। अगर मैं पिक्चर को पेपर इफेक्ट देना चाहता हूँ, यहाँ से पेपर इफेक्ट दे सकता हूँ, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और इस तरह ये रेनड्रॉप पेपर इफेक्ट आ गया है। तो इस तरह आप इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं पहले आपकी फोटो कैसी थी, अब आपकी फोटो कैसी हो गई है। यहाँ से आप इसमें ऑटो इफेक्ट दे सकते हैं, इस टूल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक फोटो एक इफेक्ट ले लेती है। इसे आप बैक ले लीजिए अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो।
फिर अगर आप आगे चलेंगे तो इसमें आपको और भी जैसे वाटर कलर इफेक्ट मिल जाएंगे, तो वाटर कलर इफेक्ट में ऑप्शन आ गए C12, C13, W1, W2, तो इस तरह मैंने इसमें इफेक्ट दे दिया। इसके बाद अगर आप इमेज को रीसाइज करना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं, फ्री साइज, अगर आपको डिवाइस के थ्रू करनी है, वन बाय वन अगर आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है तो 1:1 रेशो में आप कर सकते हैं, फेसबुक एड के लिए आपको पोस्ट करनी है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे साइज मिल जाएंगे। फिर आप रोटेशन करना चाहते हैं या फ्लिप करना चाहते हैं फोटो को, या आप ट्रांसफर करना चाहते हैं फोटो को तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको कलर इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप इसको स्प्लिट टोन दे सकते हैं, फोटो का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, जैसे आप शार्पन करना चाहते हैं थोड़ी फोटो को तो आप यहाँ से शार्पनेस बढ़ाइए तो फोटो थोड़ी शार्प दिखेगी, क्लियर दिखेगी। आप यहाँ से इसके कलर्स रिड्यूस कर सकते हैं, अगर आप फोटो को ब्लर करना चाहते हैं तो जैसे आपको इसका फेस फेस हाईलाइट करना है तो आपने फेस फेस सेलेक्ट किया और बाकी अगर आप इसमें बढ़ाएंगे तो ये ब्लरनेस आ गई बाहर, ब्लर इफेक्ट आ गया, तो यहाँ से आप फोटो को ब्लर कर सकते हैं। फुली ब्लर करना चाहते हैं तो आप फुल पे क्लिक कर दीजिए, अगर आप रेडियल में सेलेक्ट करना चाहते हैं कौन सा पार्ट आप ब्लर करना चाहते हैं कौन सा ब्लर नहीं करना चाहते तो आप इस तरह देख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने हैंड को हाईलाइट किया, आप इस सर्कल को बड़ा कर सकते हैं स्ट्रेच करके। विंटेज इफेक्ट देना चाहते हैं आप इसमें मिड पॉइंट पे, फेदर देना चाहते हैं, राउंडनेस देना चाहते हैं फोटो को तो आप राउंडनेस दे सकते हैं। फिर आप इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए, कोई भी एक्ने है या पिंपल है तो आप उसके ऊपर क्लिक करके उस जगह को रिड्यूस कर सकते हैं कोई भी पॉइंट पे क्लिक करके। इसके बाद रेड आई फीचर है, जब भी आईज में रेड इफेक्ट आता है तो आप यहाँ पे जहाँ पे भी रेड इफेक्ट आ रहा है आई में तो आप वहाँ क्लिक करके उसे ठीक कर सकते हैं। अभी इसमें कोई रेड इफेक्ट नहीं है इसलिए ठीक नहीं होगा। इसके बाद आप इस पिक्चर पे टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, किस तरह का आपको टेक्स्ट चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रांग एंड हियर, अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कलर में जाऊंगा और मैंने जैसे फॉन्ट सेलेक्ट किया, यहां से मैंने इसे व्हाइट कलर दे दिया। फॉन्ट की स्टाइल मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे से, किसी भी तरह की आप फॉन्ट स्टाइल रख सकते हैं जैसी आपको फॉन्ट स्टाइल चाहिए। आप इसमें एलिगेंट लेफ्ट सेंटर करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, आप इसको सेंटर रखना चाहते हैं। फिर इसके बाद आप इसके ऊपर कौन कौन से इफेक्ट लगाना चाहते हैं, जैसे आप अगर हार्ट का इफेक्ट लगाना चाहते हैं यहाँ पे आपने ये लगाया और आपने इसको इस तरह करके इस तरह आप लगा सकते हैं। अगर आपको पार्टी इफेक्ट चाहिए, एडवेंचर इफेक्ट चाहिए, जैसे आपको ये लगाना है तो आप ये लगा सकते हैं। इनको आपको एडजस्ट करना होगा, कैसे भी आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाइए। इसके बाद अगर आप इसमें एज देना चाहते हैं, कोई भी इस तरह का इफेक्ट देना चाहते हैं या इस तरह का इफेक्ट देना चाहते हैं, टेक्स्ट आप नीचे लिखना चाहते हैं, इसमें फ्रेम्स देख सकते हैं आपको किस तरह का फ्रेम चाहिए, आपको इस तरह का कोई फ्रेम चाहिए इस तरह के आप फ्रेम दे सकते हैं इसमें। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि पहले आपकी फोटो ऐसी थी, आपने इसको इस तरह एडिट कर लिया, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट है। यह है टॉप एप्लीकेशन है एंड्रॉयड पे फोटो एडिटिंग का। इसके बाद फिर आपको अगर सेव करनी है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और आप सेव टू गैलरी पे क्लिक करके फोटो को सेव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से रिसाइज करना चाहते हैं फोटो को, इमेज रिसाइज पे क्लिक कीजिए, आपको कौन सा साइज चाहिए, 4000x4000, 2000x2000, जो भी आपको साइज चाहिए, कस्टम साइज चाहिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। विड्थ तो हाइट आपको कितनी चाहिए, इसके अलावा आप जेपीजी की क्वालिटी आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम, वेरी हाई या हाई, जैसी भी आपको क्वालिटी चाहिए आप यहां से सेलेक्ट करके डन कर सकते हैं। आप फोटो पे वाटरमार्क लगाना चाहते हैं खुद का तो टेक्स्ट पे यहाँ पे नाम टाइप कर दीजिए तो आपका वो वाटरमार्क आ जाएगा, या जो भी यहाँ पे वाटरमार्क से पीएस एक्सप्रेस आप ये वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे वाटरमार्क आ गया है, तो इस तरह आप यहाँ से वाटरमार्क भी लगा सकते हैं, इस तरह पिक्चर को आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कॉलाज कैसे बना सकते हैं। कॉलाज बनाने के लिए आप इस आइकन पे क्लिक कीजिए, फिर आपको यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करनी होगी। जैसे मैं कोई भी 2-3 फोटो सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूं। इसके बाद जैसे आपके सामने यह कॉलाज ओपन हो गया है, अगर मुझे इसका साइज डिफरेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे डिवाइस साइज चाहिए या 1:1 का रेशियो साइज चाहिए, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक एड के लिए चाहिए, फेसबुक प्रोफाइल के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिवाइस साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया किस टाइप का फ्रेम चाहिए मेरे को, तो मैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे यही फ्रेम चाहिए, मैंने इस फोटो को थोड़ा सा इधर एडिट किया, इसको मैंने थोड़ा सा इधर एडिट किया, इस फोटो को मैंने इधर एडिट किया और इस तरह एडिट किया। इसके बाद मैंने इसे यहाँ पे, अगर आप फोटो को रिप्लेस करना चाहते हैं तो फोटो पे क्लिक करके रिप्लेस कर सकते हैं, फोटो को एडिट कर सकते हैं एडिट फोटो पे क्लिक करके। फिर यहाँ पे क्लिक करके आप इसके फ्रेम को आउटर
साइड फ्रेम को करना चाहते हैं तो आउटर कर सकते हैं, इनर कर सकते हैं, कॉर्नर अगर आप राउंड करना चाहते हैं तो कॉर्नर्स को आप इस तरह राउंड कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसमें और भी बढ़िया बढ़िया 4-5 फोटोज या 10 फोटोज जैसे भी आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉलाज भी बना सकते हैं। तो इस तरह आप इस एप्लीकेशन को ईजी टू यूज ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास वाले बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नेक्स्ट क्या।